एवरीवन, मैं हूं पुनम नरुची एंड यू आर वाचिंग पर्सनल ट्यूटर। अभी तक जो है हम प्रेशर के लेक्चर चल रहे हैं, दिस इज पार्ट फोर्थ। अभी तक जो है मैंने आपको प्रेशर के एग्जांपल्स दिए हैं कि प्रेशर के एग्जांपल्स इट मींस कि प्रेशर जो है कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। फिर मैंने आपको जो है पार्ट वन है उसमें आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर मीन्स प्रेशर होता क्या है। तो एक सिंपल सी सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। आज जो है हम एक न्यू एक बेसिक सा टॉपिक देखेंगे कि चलो यहाँ तक तो पढ़ लिया कि प्रेशर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। अब हमको ये देखना है कि प्रेशर नापे कैसे, अब हमको पता कैसे चलेगा कि कितना प्रेशर लग रहा है। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मैनोमीटर। तो व्हाट्स द नेम, इट्स मैनोमीटर। ठीक, व्हाट्स द इंस्ट्रूमेंट नेम, मैनोमीटर। स्पेलिंग बोलिए, MANOMETER, मैनोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप अपनी वापस बुक पे आ जाइए, ये क्या बोलते हैं, तो मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब कंटेनिंग वाटर और मरकरी। अब क्या होता है, इस तरीके के यू शेप की एक ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। ठीक है, तो ये जो हो गई यू ट्यूब हो गई, इसकी जो इसमें क्या होता है, या तो वाटर भरा होता है या तो हम यहाँ पर इसमें मरकरी भर देते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आर्म जो है इसके ओपन रहते हैं तो क्या होता है, व्हेन बोथ आर्म्स आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बन रहा है दोनों आर्म में कैसा होगा, सेम होगा। तो द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन द वाटर सरफेसेस ऑफ ए एंड बी एंड दीज आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यहाँ पर जो है जब ये दोनों ही ओपन है, ठीक है, और इनकी जो साइज है वो भी सेम ही है, तो ये कैसे होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, इनमें जो है हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पर लग रहा है दोनों में कैसा होगा, लेवल सेम होगा। ठीक है, ए और बी पे। तो अब ये मान, अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमको अगर प्रेशर नापना है गैस या किसी का भी है, तो हम क्या करेंगे, जो साइड ए है उसको एक हम गैस टैप से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन एग्जाम्पल अज्यूम दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा साइड ए है इसको एक गैस टैप से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम चलो कनेक्ट कर दीजिए, एक गैस टैप है। ठीक है, लेंथ ऑफ रबर ट्यूबिंग, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैसे एक मतलब एक रबर का बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको हमने इसको ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कवर कर दीजिए, और यहाँ पर जब इसमें जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका जो प्रेशर है यहाँ पर बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसका लेवल जो है ऊपर नीचे, आप यहाँ पर इससे मेज़र कर सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, आप अपना खुद का प्रेशर डिटेक्टर भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, एक प्लास्टिक फनल ले लीजिए कोई भी, ठीक है, उसका जो माउथ है उसको टाइटली एक रबर से, एक रबर बैलून है उससे कवर कर दीजिए। कैसा, आपने फनल लिया और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने एक बलून से इसको कवर कर दिया। ठीक है, और उस रबर को अब जो एक स्टेम जो है फनल की, उसे आपने रबर ट्यूब से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, अब जैसे ही जो है प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे, जो आप रबर बलून को ऐसे दबाएंगे वहाँ पर तो प्रेशर क्रिएट होगा, और वो जो अंदर आपने जो या तो पानी जो भर रखा है उसका जो लेवल है वो अप एंड डाउन होगा, उसके लेवल में चेंजेस आएंगे। तो आप जो है यहाँ पर प्रेशर मेज़र कर सकते हो कि यहाँ पर कि कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बात कि आप अपना जो है खुद का मैनोमीटर भी बना सकते हो। तो द डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर इज नोन एज मैनोमीटर। डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर इज नोन एज मैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया, डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर इज नोन एज मैनोमीटर, MANOMETER। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में फैक्ट्स अबाउट प्रेशर इन लिक्विड। तो लिक्विड में जो प्रेशर लगता है उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।